वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो भी होने वाला है रिव्यू वीडियो। एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल, बात करने वाली हूँ पिलग्रिम के दो शैम्पू के बारे में। सो मेरे पास दो वेरिएंट्स हैं, एक है मेरे पास ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू और दूसरा है एंटी हेयरफॉल शैम्पू। ये दोनों के बारे में इन डिटेल बात करने वाली हूँ, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो सिर्फ रिव्यू वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, इट्स माई होल एक्सपीरियंस अबाउट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो एंड तक वीडियो में जरूर बने रहना, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में। तो यू कैन सी दे आर इन वेरी नाइस स्लीक बॉटल पैकेजिंग। ये 200 ml की पैकेजिंग में आता है विद अ पंप पैकेजिंग, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज, मतलब प्रोडक्ट निकालने के लिए भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो पहले हम बात करते हैं एक शैम्पू जो है ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में, पहले फिर हम जाएंगे एंटी हेयरफॉल के बारे में, ठीक है। सो पैकेजिंग आप देख सकते हो दोनों की सिमिलर ही है, बट प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में यही आएगा कि प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। तो देखो प्राइसिंग में बता देती हूँ, 200 ml का जो MRP प्राइस यहाँ पे प्रिंटेड है वो है 395, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट वर्थ प्राइस डाला गया है पिलग्रिम ब्रांड से। और 395 इसकी MRP है, तो ऑनलाइन साइट पे तो डेफिनेटली ऑफर्स मिल ही जाएंगे। तो मैं परचेस लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पिलग्रिम एक ऐसा ब्रांड है ना जो आपको Amazon, Flipkart, Nykaa, यू नेम इट, एंड वो सभी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। सो बात करें एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में, थोड़ा सा पैकेजिंग के ऊपर और भी बात करना चाहती हूँ। ये पम्प पैकेजिंग में तो आता ही है, लेकिन साथ ही मिला इसकी पैकेजिंग में मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। लाइक ये क्लिप जो प्रोवाइडेड है ना, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब हम अपने शैम्पू को हमारे साथ ट्रैवलिंग में लेके जाना चाहते हैं ना, तो ये वाला क्या होता है ना, ओपन हो जाता है। तो ये जो क्लिप है वो फिट कर दो ना आप, तो ये फिर प्रेस नहीं होगा। सो इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। तो अगर आप ये क्लिप संभाल के रखते हो तो ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली हो जाएगा, एंड ओपन एंड क्लोज इस तरह से होता है। सो कम पैकेजिंग में है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग, काफ़ी सिंपल मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग रखी हुई है। बात पे स्ट्रेस कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि एक ये पैराबिन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू है। साथ ही साथ पिलग्रिम ब्रांड के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये 20 टॉक्सिक केमिकल से भी दूर रहते हैं। प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। यू नो एक ऑर्गेनिक में अगर एक अच्छा ब्रांड देखना चाहते हो तो पिलग्रिम को आप डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। दे हैव स्किन केयर, मेकअप एंड हेयर केयर, तो इसलिए मैंने ट्राई किया। नाउ दिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैंने एक दो बार ही यूज़ किया हुआ है, बिकॉज मुझे डैंड्रफ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये वाला शैम्पू आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मतलब मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऑस्ट्रेलियन टी ट्री। तो देखो डैंड्रफ के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट क्या होता है, टी ट्री होता है। वो बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करता है वो डैंड्रफ की, तो इसमें वो है। साथ ही साथ इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड भी डाला गया है जो डैंड्रफ को आने से भी रोकता है आपके स्कैल्प पे। सो अगर आपने इसको यूज़ किया तो डेफिनेटली जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है आपको वो तो हट जाएगी ही, थोड़े वॉशेज में आपको देखने मिलेगा रिजल्ट। सो इफ़ यू कीप ऑन यूजिंग इट फॉर 2 to 3 weeks आपको देखने मिलेगा रिडक्शन इन योर डैंड्रफ। साथ ही साथ ये देखा गया है कि अगर आपने इसको लगातार यूज़ किया ना तो डैंड्रफ वापस नहीं आएगा। अब इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछोगे कि अगर हमने इसे रोक दिया, इसे यूज़ करना बंद कर दिया तो क्या डैंड्रफ वापस आ जाएंगे। नाउ दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप आपके हेयर में आपका जो हेयर केयर रूटीन है उसको कितने अच्छी तरह से फॉलो करते हो, अच्छे से ऑयलिंग करते हो, डैंड्रफ आपको कैसे आया था, आपके बालों में क्यों आया था, वो रीज़न फाइंड आउट करो। अगर आपने वो रीज़न को टारगेट कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कि वो वापस आएंगे। बट अगर आपने कंटिन्यू इसे कराना यूज़ तो बहुत ही अच्छे से वो मैनेज हो जाएगा, डैंड्रफ भी निकल जाएगा और वापस भी नहीं आएगा। देखो शैम्पू तो हम यूज़ करने ही वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप शैम्पू यूज़ करना बंद कर दोगे। सो इफ दिस वन इज़ गिविंग यू अ नाइस रिजल्ट, तो आई वुड से कि इसको ही कंटिन्यू करें, ठीक है। मेरे घर में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डैंड्रफ का, उनको मैंने दिया है ये शैम्पू यूज़ करने के लिए, एंड आई सॉ द रिजल्ट इन दैट वे। इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ कि जो दूसरे शैम्पूज होते हैं मार्केट में जो डैंड्रफ क्लियर करते हैं वो बालों को ड्राई करते हैं। मैंने ऑल भी मेरे चैनल पे, जो मेन चैनल है उस पे मैंने रिव्यू किए हैं शैम्पू के जो एंटी डैंड्रफ क्लेम करते हैं, तो वो ड्राई करते हैं। और मैंने कहा ही है कि अगर आपको डैंड्रफ रिमूव करना, आपका बाल थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, बट इस शैम्पू के साथ वो नहीं होता है। बाल काफ़ी स्मूथ, जैसे आपके बाल है ना वैसे ही रहेंगे, डैंड्रफ पे ही वर्क करता है। आपको इसे यूज़ करना ऑन द स्कैल्प एंड नॉट ऑन योर लाइक हेयर स्ट्रैंड। अगर आप एक लेडी हो तो आप आपके स्ट्रैंड्स पे इसे ना यूज़ करें, आप अपने सिर्फ स्कैल्प पे इसे यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं वो भी मैं मेंशन कर दूँ कि इट रिड्यूसेस डैंड्रफ विदाउट ड्राइंग द हेयर, इट रिड्यूसेस विजिबल फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट वॉश, मतलब जो गट्ठे होते हैं, अगर आपको डैंड्रफ के गट्ठे हैं, अगर आपने इस वाले शैम्पू से इसको फर्स्ट टाइम वॉश किया, यू विल सी दैट वो जो गट्ठा होता है डैंड्रफ का आपके स्कैल्प पे जो है, उसमें आपको डेफिनेटली रिडक्शन देखने मिलेगा। इट रियली रियली वर्क्स।
इन द फर्स्ट वॉश. सेकेंड है नॉन ड्राइंग एंड कंडीशनिंग फॉर्मूला. तो जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर ऐसा कुछ डाला गया है, जैसे ग्लिसरिन, एलोवेरा, ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है जिसकी वजह से बाल ड्राई नहीं होते हैं. आपको जो आपका टारगेट है वो तो मिलता ही है, साथ ही में भी अपने बालों को ड्राई भी नहीं करता है. दैट्स रियली नाइस कंडीशनिंग फॉर्मूला एंड इट प्रिवेंट्स डैंड्रफ्स रीअकरेंस. तो जैसे मैं कह रही थी, तो दैट वॉज अबाउट द सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू ऑफ पिलग्रिम. दैट इज़ द एंटी डैंड्रफ शैम्पू वेरियंट. लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको परचेज करने में इंटरेस्ट है तो. इसकी मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ, इसकी फ्रेगरेंस में बहुत ही माइल्ड टी ट्री वाली फ्रेगरेंस आपको आएगी. बहुत ही गाढ़ा टेक्स्चर है इसका. यहाँ पर मैं इसका आपको बता दूंगी टेक्स्चर कैसा है. सो बहुत ही गाढ़ा टेक्स्चर है, इट्स वेरी थिक. तो अगर आप डायल्यूट करना चाहते हो तो डायल्यूट करके आपके स्कैल्प के आपको पोर करो और अच्छे से इसको मसाज करके रिंस कर लो. बात करें ये सल्फेट फ्री है तो ये ज़्यादा लेदर नहीं क्रिएट करता है. एंड दैट इज़ अबाउट द अदर वन ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट. तो उसमें भी ज़्यादा लेदर नहीं होता है, अच्छे से क्लीन करता है एंड जस्ट यू हैव टू वॉश इट ऑफ. सो ज़्यादा लेदर एक्सपेक्ट नहीं करना. थोड़ा सा आपको दूसरे शैम्पू से ये थोड़ा सा अलग लगेगा उस सेक्शन में भी. अब बात करते हैं सेकेंड शैम्पू के बारे में, दैट इज़ दी एंटी हेयर फॉल शैम्पू. ओके, एंड ये वाला जो है ये मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज यू नो दैट आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल. सो इसलिए मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स. इससे पहले मैं प्लम का यूज़ कर रही थी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, दैट ऑल्सो वर्क रियली वेल विथ माई स्कैल्प एंड माई हेयर. सो नाउ इसको मैंने 2 हफ्ते ट्राई किया है तो मैं आपको अपना 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस बताती हूँ. सो ये पहले बात तो पैकेजिंग सेम है. नाउ ये जो 200 ml का है वो उसका प्राइस है 345 rupees. अगेन ये प्रिंटेड प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, डिस्काउंट आपको दिख जाएगी ऑनलाइन साइट्स पे, लिंक इसकी भी आपको मिल जाएगी. नाउ सी एंटी हेयर फॉल शैम्पू में ना इनके इंग्रेडिएंट्स चेंज है. यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेनिश रोजमेरी, इसके अंदर था ऑस्ट्रेलियन टी ट्री. सो देखो आपकी कितना अमेजिंग इंग्रेडिएंट लेकर आया है पिलग्रिम ब्रांड. अमेरिका ऑयल है इसके अंदर एंड इट ऑल्सो कंटेन्स बायोटिन. ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं ना फ्रेंड्स, आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं. सो दे विल स्ट्रेंथन योर रूट्स. और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो कंघी करते हुए बाल टूट जाते हैं, बहुत वीक है आपका स्कैल्प और आपके रूट्स, तो ये इसको मजबूती देता है. सो इट कंटेन्स रोजमेरी जो ग्रोथ प्रमोट करता है, बायोटिन जो स्ट्रेंथ प्रमोट करता है. एंड अगेन आई वुड से दैट इट्स अ सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू. जब मैं शैम्पू करती हूँ ना, जब नहाते हैं तो हमारे कितने बाल गिरते हैं, राइट? बट आई नोटिस दैट व्हेन आई एम यूजिंग दिस शैम्पू मेरे बाल नहीं गिर रहे हैं जब मैं नहा रही हूँ तब. तो वो एक मैंने चीज़ नोटिस करी. साथ ही में बाल की जो वॉल्यूम है थोड़ा सा उस इंक्रीज दिखा है मुझे. अब 2 हफ्ते हुए तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम लाइकिंग द रिजल्ट. सो दिस वन ऑल्सो कंटेन्स नॉन ड्राइंग फॉर्मूला. बात करूँ इसके अंदर DHT ब्लॉकर्स डाले गए हैं विच इज़ रियली वेरी गुड. तो बालों को जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही में रिड्यूसेस हेयर फॉल, इट स्ट्रेंथन्स योर हेयर. ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई वो मैं आपको बता रही हूँ. वो सारी चीज़ें मैंने नोटिस भी करी है, वो आपको बता रही हूँ. इसका भी टेक्स्चर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूंगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट अगर आप देखोगे तो दोनों की कलर एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वली सेम, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके इंग्रेडिएंट्स में. सो ये आप समझ जाना. इसकी फ्रेगरेंस में भी आपको रोजमेरी वाली फ्रेगरेंस आती है और जो प्रीवियसली मैंने बताया उसमें टी ट्री वाली फ्रेगरेंस आती है. देखने में दोनों का टेक्स्चर एंड एवरीथिंग इज सिमिलर, आपको कुछ दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, बट यस डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस. फ्रेंड्स की जब मैं इसे यूज करती हूँ उसको डाइल्यूट करके यूज करती हूँ और मुझे सिर्फ एक ही पंप लगता है क्योंकि मेरे बाल शॉर्ट है. सो उसके हिसाब से आप देख लो कैसे आपको यूज करना है. आई वुड से कि मैं हफ्ते में 3 बार लाइक हेयर वॉश करती हूँ एंड आई एम यूजिंग इट, तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है फ्रेंड्स. सो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी. अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यू शुड गो फॉर दिस वन. बालों को मजबूती चाहिए, वॉल्यूम चाहिए आपके बालों के लिए, तो आप ये वाला लेना. सो देखो हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग सोल्यूशन होता है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ लाइक कवरिंग बोथ द शैम्पूज इन टुडेज वीडियो. होप कि आज के वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो. अगर यूजफुल लगी तो प्लीज टेक अ मोमेंट, एक सेकंड लगता है लाइक करने के लिए. ओके लाइक. अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन में कुछ भी मैंने मिस आउट किया है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कॉमेंट सेक्शन खुला है. यू कैन राइट योर कॉमेंट्स, यू कैन राइट द क्वेरीज, आई विल सॉर्ट इट आउट. सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ. इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी बिकॉज फ्रेंड्स ये चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें. इट विल मीन अ लॉट टू मी बिकॉज क्योंकि नया चैनल होता है ना तो मोटिवेशन मिलती है. जैसे फैमिली बढ़ती है आई फील दैट कि लाइक और भी ऐसा कॉन्टेंट बनाऊँ आप लोगों के लिए और हेल्प करूँ. दीज आर लाइक कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ फ्रेंड्स एंड ये कम्प्लीट ऑनेस्ट रिव्यू वाला चैनल है तो मैं कम्प्लीट ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेकर आती हूँ. सो अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना. मिलती हूँ सुपर सून आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना.